हे एवरीवन, आज बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स बासुंदी। ये एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी डेजर्ट है जो रबड़ी जैसी होती है, पर बासुंदी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी पतली होती है, वही रबड़ी काफी ज्यादा थिक यानी कंडेंस्ड फॉर्म में होती है, इसलिए बासुंदी को बनाने में रबड़ी से थोड़ा कम समय लगता है। ठंडी ठंडी बासुंदी गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो इस गर्मी के सीजन में इसे जरूर बनाकर ट्राई करें। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ गहरे तले वाली नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली है, इसे कुछ सेकंड्स के लिए गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें डालेंगे थोड़ा घी। मैंने यहाँ आधा टीस्पून के करीब घी लिया है। घी से कढ़ाई को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं पहले। ऐसा करने से दूध तले पर चिपकेगा नहीं, तो जब भी बासुंदी, रबड़ी या खीर बनाए घी से जरूर कढ़ाई को ग्रीस कर ले पहले। अब इसमें डालेंगे 1 लीटर के करीब दूध, यानी 4 कप दूध ले लिया है मैंने यहाँ पर, और इसमें एक उबाल आने देंगे। दूध आप फुल फैट ही ले, क्योंकि इससे आपकी बासुंदी बिल्कुल मलाईदार और परफेक्ट बनेगी, पर अगर आपके पास गाय का दूध है तो उससे भी आप इसे बना सकते हैं। मलाईदार बासुंदी बनाने के लिए आगे वीडियो में मैं कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ, तो बिना वीडियो को स्किप किए इसे पूरा देखिए। चलिए, दूध में एक उबाल आ गया है तो आंच को लो टू मीडियम पर कर लेते हैं। बीच बीच में चलाते हुए दूध को रिड्यूस यानी कम कर लेंगे, और जो साइड्स में दूध लग रहा है उसे खरोच कर दूध में मिलाते जाएंगे। अब इसमें डालेंगे केसर। मैंने यहाँ 12 से 15 केसर के स्ट्रैंड्स लिए हैं। केसर से बासुंदी में अच्छा सा कलर आ जाता है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है, पर अगर आपके पास केसर नहीं है तो ऐसे में आप दूध में हल्का पीला कलर लाने के लिए चुटकी भर यानी बहुत हल्का सा हल्दी डाल सकते हैं। इसे केसर डालने से जो रंग आता है बिल्कुल वैसा रंग आ जाएगा, और हल्दी की स्मेल भी नहीं आएगी, मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने हल्दी का यूज किया है इसमें, है ना कमाल की टिप। केसर ने यहाँ अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है दूध में, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हमें बीच बीच में चलाते हुए दूध को कम कर लेना है। दूध को करीब 20 से 25 मिनट तक इसी तरह से पकाते जाएंगे। बासुंदी को मलाईदार बनाने के लिए दूसरी टिप ये है कि दूध को थोड़ा रुककर चलाएं। ऐसा करने से दूध के ऊपर हल्की हल्की मलाई की परत जमती जाएगी, फिर इसे आप दूध में मिलाते जाएं, कुछ इस तरह से। 20 से 25 मिनट हो गए हैं और बासुंदी के लिए दूध की जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उस कंसिस्टेंसी में ये आ चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे दूध में मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, पर 3 से 4 टेबलस्पून चीनी परफेक्ट मीठी होती है। चीनी डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेना है हमें। इसी बीच इसमें डालेंगे 12 से 15 बारीक कटे हुए काजू, 12 से 15 बादाम और 12 से 15 पिस्ता। चार से पाँच मिनट हो गए हैं, चीनी अच्छे से घुल चुकी है और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से मिल चुके हैं। और ये लीजिए, बनकर रेडी है बहुत ही टेस्टी ड्राई फ्रूट्स बासुंदी की डिश। हमें ठीक इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए बासुंदी के लिए। ये ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो बासुंदी को पतला ही रखें। इसे आप सर्व करने के पहले फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखें करीब 3 से 4 घंटे के लिए, फिर इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। ठंडी ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। रेसिपी और टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको कैसी लगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, टेक केयर।